हम सब गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। मारीची जब भगवान ऋषभ देव के समसरण में भरत आए तो पूछा भगवान से कि प्रभु आप जैसा कोई जीव आत्मा है तो तीर्थंकर बनेगा। भगवान ऋषभ देव ने बता दिया तेरा बेटा जो मारीची बाहर है वो 24वां तीर्थंकर बनेगा। भरत ने सोचा मेरा बेटा आ जाता ना, मेरा बेटा कोई आपका बेटा ऑफिसर बन जाए तो आपके कॉलर ऊपर हो जाते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटा। तो भरत ने आकर के उसको वंदना करी, वंदना। और मरीची तो डंडी था, छत्र रखता था और थोड़े पानी में स्नान भी कर लेता था, पाँव में पहन लेता था, खड़ाऊ भी पहन लेता था। तो भरत ने कहा मैं आपको इसलिए वंदना नहीं कर रहा तुम पर, तुम आने वाले तीर्थंकर बनोगे, वसुदेव बनोगे, चक्रवर्ती बनोगे, वंदना कर लो। तो मरीची तो उछलने लगा, नाचने लगा, मेरा कुल इतना ऊंचा, मेरे दादा तीर्थंकर, मैं वासुदेव बनूंगा, मैं चक्रवर्ती भी बनूंगा, मैं तीर्थंकर भी बनूंगा, उछलने लगा। और क्या हुआ, नीच कुल में जन्म लेना पड़ा, ब्राह्मण कुल में। और यदि आलोचना कर लेता हमारी एक कोड़ा कोड़ी सागर पम जितना भगवान महावीर का संसार बढ़ गया, चाहे वो तीर्थंकर थे, एक कोड़ा कोड़ी सागर का पहला तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर। उन्हें जब वासुदेव थे तो उन्होंने जब संगीत सुनने आए थे तो कह बंद कर दो, तो जो पहरेदार थे उन्होंने संगीत बंद नहीं किया तो पूछा संगीत कौन चला रहा है, तो पहरेदार चला रहे, कहते मेरी आज्ञा, ये कान नहीं सुन सकते, संगीत सुन सकते, जाओ पिघलता पिघलता शीशा इनके कानों में डाल दो। अहंकार था, वासुदेव था और इतना बल था, मद था, वो जो डाला गया उसकी आलोचना नहीं की। यदि वो आलोचना कर लेते कि मेरा सबसे बड़ा भयंकर पाप हो गया और क्षमा मांग लेते, हो सकता है कि महावीर को कानों में कीले ना ठुकवाने पड़ते। कर्म किसी को नहीं छोड़ते भाई, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ते, हमें कौन छोड़ेगा। इसलिए विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, जो कर्म किया है वो आपने भोगना ही पड़ेगा। हाँ एक तरीका है, कर्म बंध गया, अंतःकरण से आलोचना करो, बार बार आलोचना करो, बार बार आलोचना करो, हल्की हो जाओगे। कोई बड़ा तप ना कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं कहते, मांस खमन करना जरूरी है, जठाई करना जरूरी, अच्छा है करो तो, पर तप ना करो, आलोचना जरूर कर लो अपने जीवन में। और हर किसी से गलती होती है, ऐसा कोई हम सब दूध के धोए हुए नहीं है, हर किसी से, टू इज ह्यूमन फॉर इज डिवाइन, हर किसी से गलती हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। क्षमा मांग लो, और क्षमा मांग लो फिर हल्की हो जाओगे, नहीं मांगो तुम नहीं। ऐसे द्रौपदी का पूर्व भाव सुकुमालिका थी, सुकुमालिका जब थी तो उसकी उसको कोई चाहता नहीं था, कोई उसकी शादी नहीं होती थी। उसने देखा कि एक नगर वधु को लेकर के 5 युवक उसके पीछे पीछे फिर रहे। उसने देखा ये कैसी, इसके 5 व्यक्ति पीछे हैं, मेरे पास एक भी नहीं। न्याना कर लिया कि मेरे भी ऐसे 5 पति हों, 5 पति। वो न्याना करने के बाद वो द्रौपदी ने उसके 5 पति बने, ऐसा पूर्व भक्त सुकुमालिका का। तो मरीची ने अहंकार किया कि मेरे पास सच्चा धर्म, सच्चा धर्म तो भगवान के पास, वो बाहर बैठा रहता और तपस्या करता या जो भी करता, पर भगवान के पास भेजता रहा कि मेरे पास धर्म नहीं है, भगवान के पास है। एक बार एक कपिल युवक आए उनके पास दीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा भगवान, कहते कि तुम्हारा धर्म सच्चा नहीं है, भगवान का सच्चा तुम्हारा सच्चा नहीं है। मन में कपट आ गया, क्या कहा, वो भी सच्चा है और मैं भी सच्चा हूँ, क्या आ गया, कपट आ गया। तो सोचा क्या कि मेरा बुढ़ापा आएगा, चेला तो चाहिए ना, चेला नहीं आया तो सेवा कौन करेगा, ये भाव आ गया, चेला कौन बनेगा, सेवा कौन करेगा। कहते मैं भी ठीक हूँ, वो भी ठीक है। तब से कपिल दर्शन शुरू हो गया, उसका चेला बन गया। ये मरीची ने सबसे बड़ी भूल की, उस रूपना के प्रूप बना की, अहंकार आया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, एक कोड़ा कोड़ी सागुरपम बढ़ गया जीवन। कुमारपाल राजा
एक दिन घीवर खाते खाते कड़कड़ की आवाज़ सुनते सुनते महाराज को कभी तले भुने मांस खाने की स्मृति हो आई। कुमारपाल राजा था, घीवर खाते खाते कड़कड़, घीवर कड़कड़ होते हैं, तो कड़कड़ की आवाज़ आई, सुनते सुनते उनको पुरानी स्मृति आ गई। राजा था या पहले कुछ ऐसा हुआ होगा कि मांस खाने की, तले भुने मांस स्मृति आई, तो संभल गए और अपने गुरु हेमचंद्राचार्य की स्मृति का दोष प्रायश्चित मांगा कि गुरु मेरे मन में ये भाव आया, खाया नहीं, भाव आया कि ऐसा स्मृति आई, तो गुरु से प्रायश्चित मांगा। गुरु ने कहा, दांतों को तोड़ने का आदेश दे दिया कि तेरे मन में भाव है, दांतों को तोड़ लो पत्थर लेकर के। उसने क्या कि कुमार बाल ने बेहचक दांतों को तोड़ने पत्थर उठा लिया, दांतों को तोड़ने के लिए पत्थर उठा लिया और दांतों तक ले गए। तुरंत हेमचंद्र ने चाहा, हाथ पकड़ लिया, बस तेरा प्रायश्चित हो गया। गुरु कितने समझदार होते, बेहिचक उसने कहा दांतों को मुझे तोड़ देना, पत्थर उठा करके मारने लगा, तो गुरु ने कहा, हाथ पकड़ लिया, देख बेटे तेरा प्रायश्चित। ऐसे थे। और माँ सती मृगावती जी, और कि आपने नाम सुना होगा चंदन बाला और मृगावती का एग्जाम्पल सुना होगा कि भगवान के समोसर में मृगावती शाम तक बैठी रही, कहते थे सूर्य चंद्र वहीं आ गए तो पता नहीं लगा रात्रि का कि रात्रि हो गई कि नहीं हो गई, सब चले गए तो मृगावती नहीं जा पाई। जब सूर्य चंद्र चले गए तो अंधेरा हो गया, तो मृगावती अपने स्थान पर गई, अपने स्थान पर गई तो चंद्रा ने अलार्म दिया, वो गुरनी थी कि तुमको ख्याल नहीं आता, तुमको नहीं चलना चाहिए, बैठना चाहिए, तुम अंधेरे में वहाँ क्यों बैठी रही, तुमको वापस आना चाहिए। तो मृगावती को बहुत प्रायश्चित हुआ कि मुझे नहीं जाना चाहिए, बैठना चाहिए, गुरनी ने जो कुछ कहा सच कहा। ऐसी अंतर से भी आलोचना की, गुरुनी के प्रति कोई दोष नहीं निकाला कि मेरी क्या गलती थी, मैं बैठ गई, गुरनी ठीक कहती है, मुझे नहीं बैठना चाहिए था, मुझे कल्पना नहीं था समसन में बैठना, मेरी गलती है। प्रायश्चित प्रायश्चित अंतःकरण से प्रायश्चित करते करते क्या हो गया, ऐसे केवल ज्ञान हो सकते हैं। अंतःकरण से प्रायश्चित करो, तुम्हारा अंग अंग कन कन रोया रोया खून का कतरा कतरा प्रभावित हो जाए कि गलती मेरी, उसकी गलती नहीं, मत निकालना कि गुरनी ने मुझे ऐसा दोष निकाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अब रात का समय था, चंदन बाला ऐसे करके लेटी हुई थी, उनको तो केवल ज्ञान हो गया, अंधेरा था, एक सांप काला उधर से आ रहा था। मृगावती ने उनके बाजू को धीरे से ऐसे उठाया कि कहीं सांप ना आ जाए, उसकी नींद खुल गई। चंदन बाला ने पूछा, मेरी नींद आपने क्यों हिलाया? गुरनी, कारण तो कुछ नहीं था, पास में सांप आ रहा था, मैंने इसलिए आपको हिलाया। आपको कैसे पता लगा? आपको ज्ञान हो गया, अंधेरा था, आपकी कृपा। क्या कहा? आपकी कृपा। अब वो केवल ज्ञान हो गया, वो हो, इसको प्रायश्चित हुआ, गुरनी को प्रायश्चित हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। ये केवल ज्ञानी की मैंने साधना कर दी, केवल ज्ञानी की मैंने साधना कर दी। करते 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 चंदन बाला को भी ये है, आलोचना आलोचना करना ये आसान बात नहीं होती। और मन की जो अहंकार है ना, मैं कैसे कर लूं, मैं श्री शिवने के सामने अपनी बात कैसे प्रकट कर दूं, ऐसी बात नहीं होती। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, बात प्रकट कर देनी चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, लक्ष्मणा नाम की एक साध्वी अंतिम तीर्थंकर अश्विनी चौबासी के अंतिम तीर्थंकर शासन में लक्ष्मणा नाम की एक राजकुमारी थी। विवाह के समय शादी के मंडप में ही विधवा हो गई, विवाह के समय शादी का मंडप हुआ, पति चल बसा, विधवा हो गई। श्रावक धर्म का पालन करती हुई शुभ दिन को उसने दीक्षा अंगीकार कर ली, फिर उसके बाद बहुतों को प्रतिबोध दिया, शिष्याएं बनी, गुरुनी बनी। गुरनी बन के एक दिन एक चिड़ा और चिड़ी आपस में कीड़ा कर रहे थे, संभोग कर रहे थे, उनको देखा। देखने के बाद उसके मन में क्या विचार आया लक्ष्मण साध्वी के,
कि अरिहंत भगवान ने संभोग की अनुमति नहीं दी, वो तो अवेदी थे, उनको तो नहीं आता, तो ये उनको अनुमति दे देनी चाहिए। तो ऐसा क्षण मात्र के लिए भाव आया, फिर पश्चाताप किया उसने, आया विचार, फिर पश्चाताप किया कि मैंने ये गलत विचार किया, क्योंकि अरिहंत भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरे मन में विचार नहीं आना चाहिए, इस भयंकर विचार की मुझे आलोचना लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके उसने आलोचना लेने के लिए प्रयाण किया, प्रयाण करते पांव में कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया तो साध्वी जी के मन में विचार हुआ, ये अपशकुन हुआ है, ये क्या हुआ है, अपशकुन हुआ है, इसकी आलोचना लेने पर मुझे क्या अधम गिनी जाऊंगी, नीच गिनी जाऊंगी, गुरुदेव मुझे कैसी सत्वहीन गिनेंगे, शल्य युक्त रहना ही मेरे उचित है। कहती मैं इसकी आलोचना नहीं करूँ तो ठीक रहेगा, उसकी आलोचना नहीं की। और भगवान के सम्मुखरण में जाकर के क्या कहती है, गुरुदेव से जाकर पूछा, गुरुदेव किसी के मन में ऐसा विचार आया हो, अपनी बात नहीं कही, किसी के मन में ऐसा विचार हुआ चिड़ा चिड़ी को देख करके, वो कीड़ा कर रहे थे, संभोग कर रहे थे, उसको क्या प्रायश्चित आता है, गुरुदेव तो जानते थे, अपनी आलोचना नहीं की, दूसरों की आलोचना की, अपनी आलोचना ना करने थे, ऐसा नहीं कहा कि मुझे ऐसा विचार आया, ये नहीं कहा, बात छिपा दी। उसके पश्चात गुरु ने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, अपने अंतःकरण से आलोचना नहीं, देखो कितना फर्क है, बात प्रकट करने के लिए किसी के मन में, भाई तेरे मन में तू बात करना, किसी के बारे में क्या करनी है, साध्वी थी, दीक्षा ली, बहुतों को प्रतिबोध दिया, गुरनी बनी, ये छोटा सा विचार आया भाव कि भगवान ने आज्ञा नहीं दी, वो तो अवैधी, फिर ख्याल आया गलत है, नहीं मुझे विचार करना चाहिए, फिर विचार आया आलोचना कर लेनी चाहिए, आलोचना करते करते पाँव में कांटा चुभा कि अपशकुन हो गया, तो मुझे लोग क्या कहेंगे, अपना अहंकार आ गया कि लोग कहेंगे इतनी मतलब अपशकुन है, इतनी अधम गिनी जाऊंगी मैं, शल्य युक्त रहने, कहते ये प्रकट नहीं करना मैंने बात। भगवान के समोसरण में भी गई, गई जाने के बाद क्या कहने लगी, किसी के मन में ऐसा विचार आया तो क्या करना चाहिए, भगवान तो जान नहीं थे, भगवान क्यों कहेंगे तेरे मन में विचार आया, भगवान जानते हैं यदि तुम सच्ची आलोचना नहीं करोगे तो भगवान भी आपको कहने वाले नहीं हैं, भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं, तुम अपनी आलोचना स्वयं करो, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद छिपा दी, उसके पश्चात उसने तप को धोने के लिए क्या किया, 10 वर्ष तक बेला तेला चौला पंचौला उपवास, पारने में निवी, निवी का मतलब है छाछ और रोटी खाना, कोई दूध दही मक्खन घी मलाई नहीं खाना, 10 वर्ष तक, 2 वर्ष तक भुने हुए धान्य, 16 वर्ष तक मांस खमन, 20 वर्ष तक आइम्बेल, 2 वर्ष तक भुने हुए निर्लेप चने खाए, इस पर 50 वर्ष तक घोर तप किया, फिर भी पाप की शुद्धि नहीं हुई, आर्त ध्यान मर कर उसने असंख्य भव किए, असंख्य भव किए, और आने वाली 24वीं में पृथ्वी तीर्थंकर के शासन में मोक्ष जाएगी, क्योंकि इतना तप किया उसका फल तो मिलेगा, पर असंख्य भाव करने, इससे ये प्रेरणा मिलती है भगवान की वाणी से कि तुम कोई बड़ा तप कर सको ना कर सको बड़ी बात नहीं, पर किसी के दिल को नहीं दुखाना, घर परिवार में शांति के लिए आपस में प्रेम से रहना, पिता पुत्र माता माँ बेटी सासू बहू कि आपस में झगड़े होते रहते, हमारे पास आते हैं महाराज उसको समझाओ वो समझती नहीं, कोई शादी की थी हमसे पूछ के करी थी क्या, समझाओ किसको समझाएं, हम किसको समझाएं, हमारे समझाने तेरे समझाने से समझी नहीं तो हमारे समझाने से कैसे समझ जाएगी, हमारे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, हम कहते ठीक है भाई ऐसा होता है कर्म का उलय होता है होता है। तो कहने का अर्थ ये है आलोचना, जो आपके मन मनसा वाचा कर्मना कोई भी ऐसा दोष लग जाए आलोचना कर लेनी चाहिए, आलोचना नहीं करोगे तो फिर अगले जन्म मरीची, देखो भगवान महावीर के भाव ने एक कोड़ा कोड़ी सागरों भुगतना पड़ा, कानों में कीले ठुकाने पड़े, यदि उस समय प्रायश्चित कर लेते कि मैंने जा उसको बुला करके क्षमा मांग लेते, राजा थे मैं राजा, इसने कैसे संगीत सुन लिया, वह अहंकार, व्यक्ति को अहंकार सबसे बड़ी बाधा होती है कि मैं घर का बड़ा मेरी आज्ञा नहीं सुनते,
इस कारण कभी अहंकार मत करना। भगवान की वाणी कहती है, सब में शुद्ध आत्मा के दर्शन करो, मैं आत्मा, तुम में आत्मा, सब में समान आत्मा, उस आत्मा के दर्शन करो। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अध्यंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सब सावनं, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावितं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रोसीशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सीजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।